और इस दीप प्रज्वलन की विधि के साथ ये हम सभी लोगों के लिए और इस क्षण के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, तमस को दूर भगाएं, अंधेरों पर पाकर विजय, आत्मविश्वास की एक नई लौ जलाएं और आत्मविश्वास की एक प्रगतिशील भविष्य की एक बेहतर मायने रखा है कि आज आप अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हम सभी लोगों के बीच आए हैं, अपना साथ, अपना सहयोग और अपनी शुभकामनाएं आप अपने संग लेकर आई है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अत्यंत ही सक्रिय व लोकप्रिय समाज सेविका है, उन्होंने अपना अतुलनीय योगदान समाज को एक नई दिशा, एक प्रतिष्ठित, एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए सर के लिए। दोनों की शुरुआत लगभग 35 साल पहले शुरू हुई और नीलकंठ हॉस्पिटल एंड नीलकंठ आईवीएफ हॉस्पिटल हिंदुस्तान का सबसे पुराना सेंटर है जो कि आईवीएफ में आया। इस समय हमारे पास करीब 25 हमारे ओपीडी सेंटर्स हैं और 8 हमारे आईवीएफ हॉस्पिटल से आईवीएफ किया जाता है। आईवीएफ में लोगों को भ्रम था कि आईवीएफ उनका अपना बच्चा नहीं है, इसलिए लोग आईवीएफ तकनीक को अपनाने से मना करते थे, लेकिन जब पता लगा कि आईवीएफ में होने वाला बच्चा पति और पत्नी का ही है तो अब लोग इस चीज़ को अपनाने लगे हैं और आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि आईवीएफ तकनीक ऐसी है कि जो ये बताती है कि बच्चा उनका है, उनका अपना बच्चा है। साथ साथ क्या होता है कि अगर पुरुष में कोई बच्चा पैदा करने की कमी है या उसके शुक्राणु नील हैं नहीं हैं तो ये सुविधा हो गई है और इसको अपनाने लगे हैं आप। जगह जगह पर बैंक खुल गए हैं, गैमीट बैंक खुल गए हैं और हर एक की नियत के अनुसार उसकी हाइट, वेट, कलर, एजुकेशन के हिसाब से वो बैंक स्पर्म्स गैमीट सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह के वो महिलाएं जिनमें अंडे की पैदाइश नहीं हो रही है, अंडे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए भी गैमीट डोनेशन की सुविधा अब वर्ल्ड में हर सरकार द्वारा दी गई है और इसको करने के लिए सरकार से कुछ मान्यता है जो कि उनकी सब पूरी होनी चाहिए। इस सुविधा को भी अब लोग अपनाने लगे हैं धीरे धीरे। तो इस समय से तकरीबन 80% कपल्स जो अतिथिगण हमारे मौजूद हैं यहाँ पर इस समय, उन सभी का इसमें स्वागत है। इसमें से कुछ लाभार्थी हैं जिनको भगवान ने प्रभु की कृपा से नीलकंठ के माध्यम से या आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से संतान सुख प्राप्त हुआ है, मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। तथा और सब लोगों को जो लोग यहाँ आए हैं और अभी उनको माता पिता प्राप्त पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ जो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने 35 वर्षों से इस कार्य में लगे हैं कि ये किस प्रकार से परिवार में जब बच्चे नहीं पैदा होते थे तो किस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ना और पतियों को भी ऐसा लगता था कि मेरा कारोबार देखने वाला, मेरा वंश चलाने वाला कौन होगा। और वैसे सुनने समय में इन्होंने इतना बड़ा पटना में कार्यक्रम अस्पताल खोलकर बहुत ही धन्यवाद का काम किए हैं, हम लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी सबसे पुरानी चहेती हमारी शांति जी, कब से हम लोग जान रहे हैं और बहुत दिनों बाद आज देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तो आपका ही क्षेत्र है, आपका विषय है, हम लोग लेकिन खुशी हम लोग भी बांटते हैं। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, पीएमसीएच के पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट हमारे बीच में उपस्थित हैं और यहाँ पर जितनी भी हमारी निशा जी सोशल वर्कर हैं, सुनकर मुझे अच्छा लगा। और बाकी तमाम यहाँ के जो डॉक्टर्स जो यहाँ इस हॉस्पिटल में लगे हुए सारे स्टाफ, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने वाले बार बार जाकर आग्रह कर सुभाष जी जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ की भाई लेडी फर्स्ट सीता साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये भी बोले देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग यहाँ बहुत जय